इसको इस फिलामेंट का नाम होता है टंगस्टन। क्या नाम होता है? टंगस्टन, जिसका संकेत होता है W। क्या होता है? टंगस्टन का रासायनिक नाम वोल्फ्राम होता है। क्या नाम होता है? वोल्फ्राम। क्या नाम होता है? WOLFRAM, वोल्फ्राम होता है। इसीलिए टंगस्टन का जो संकेत है वो W होता है। जैसे कि सोडियम का देखे है ना, सोडियम का Na होता है, लेकिन रासायनिक नाम नेट्रियम होता है। उसी तरह से जो टंगस्टन जो होता है वो उसका संकेत W होता है। क्यों होता है W? चूंकि टंगस्टन का रासायनिक नाम वोल्फ्राम होता है। ठीक ना, कुछ टंगस्टन के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर बल्ब के बारे में बताएंगे, चूंकि टंगस्टन के बारे में हम लोग को जानना भी है। ठीक ना, टंगस्टन देखिए क्या है, एक तरह का तत्व होता है, मतलब धातु है। तत्व में किस क्या है, यह एक धातु है। ठीक ना, और ये धातु के भी अयस्क हो सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम का अयस्क होता है, जिंक का होता है, पारा का होता है, हर एक धातु का कोई ना कोई अयस्क होता है ना। अयस्क किसको कहते हैं? यानी कि जिससे हम लोग धातु को निकालें उसी को हम अयस्क कहते हैं। अब ये बताइए, अब मान लेते हैं कि जिंक ब्लेंड से पारा को नहीं निकाल सकते हैं, जिंक ब्लेंड से हम लोग एल्युमिनियम तो नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना। तो सब सबके अयस्क से सभी धातु को प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी विशेष अयस्क से ही धातु की प्राप्ति करते हैं। तो टंगस्टन जो होता है यह ऐसा धातु होता है। ठीक है, अच्छा, इस धातु को जो है हम दो अयस्कों से निकालते हैं। इसके दो अयस्क होते हैं, पहला का नाम है सिलाइट और दूसरा का नाम है वोल्फ्रामाइड। वोल्फ्रामाइड, ठीक ना, दो अयस्क होते हैं टंगस्टन के। कितने अयस्क होते हैं? दो अयस्क होते हैं, सिलाइट और वोल्फ्रामाइड। लेकिन दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, टंगस्टन को निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टंगस्टन का निष्कर्षण वोल्फ्रामाइड अयस्क से किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका कारण आप लोग जानते होंगे, क्या कारण है इसका? कारण यह है कि इससे जो है कम मेहनत में, कम खर्च में और अधिक क्या निकल जाता है, टंगस्टन निकल जाता है। इसीलिए जो है टंगस्टन का निष्कर्षण खास करके वोल्फ्रामाइड अयस्क से किया जाता है। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, अब देखिए टंगस्टन का और भी कुछ गुण समझ लीजिए। टंगस्टन जो है, टंगस्टन इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम का मतलब जीरो में समझ लीजिएगा, कम होता है। टंगस्टन का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। अच्छा, और इसका गलनांक ऊंच होता है। गलनांक का मतलब होता है जल्दी गलेगा नहीं। इसका गलनांक कितना होता है? गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी लगभग जो है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड हम कह सकते हैं। ठीक ना, जो टंगस्टन जो होता है, उसको टंगस्टन क्या है, बल्ब का फिलामेंट होता है, इसका गलनांक कितना होता है? बहुत ऊंच होता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग मान लीजिए कि 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक ना, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब आप लोगों से मैं ये आपसे पूछूं कि ये बताइए, बल्ब में जो फिलामेंट लगाया गया टंगस्टन का, ये बहुत पतला और क्या होता है, ये क्वाइल के रूप में से